हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के बिहार बोर्ड में होने वाली वार्षिक परीक्षा 2022 में पॉलिटिकल साइंस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिनके इस वर्ष होने वाली परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहती है। तो आइए इसी कड़ी में हम देखते हैं इन प्रश्नों को। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से यह प्रेरणा ली गई है। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? सही उत्तर है जेल। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? सही उत्तर है D 29। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है भाग 20 अनुच्छेद 368 में। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। जॉन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? J.S. मिल। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। किसने कहा? जीन जैकिन रूसो ने। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? कानूनी न्याय। निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निश्चित निवास। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। यह भारत में गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। 2003 के 92वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी है? तो चारों भाषा जोड़ी गई है। ये चारों की चारों भाषाएं जोड़ी गई हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? M.S. स्वामीनाथन। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो हेग नेदरलैंड्स में स्थित है। पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? इंदिरा गांधी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता हुआ। 2009 का जलवायु सम्मेलन कहां हुआ था? कोपेनहेगन में। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निशेषाधिकार प्राप्त है? तो 5 सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है, वीटो पावर भी कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया दक्षेस का सदस्य नहीं है। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहां किया था? पोखरण में। पोखरण को लैंड ऑफ 5 मिराजेस भी कहा जाता है, या राजस्थान में है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है? चिपको आंदोलन से संबंधित है इनका नाम। 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहां हुआ था? तो इंडोनेशिया में यह हुआ था। भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है संयुक्त राष्ट्र संघ का। निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? उत्तराखंड। किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? 1949 को। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टीटो। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? अक्टूबर 3, 1990 को। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1957 को। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में। भारत में से RTI कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ? 1971, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बराक हुसैन ओबामा, बराक ओबामा। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991 में आरंभ की गई थी। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? असम, असम में यह स्थित है। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? भारत, भारत ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 11 सितंबर 2001। पूरे विश्व में इसे 9/11 के नाम से भी जाना जाता है। भारत में अब कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? 1995, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई? पाकिस्तान के साथ हुई थी यह सिंधु जल संधि। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 13 अगस्त 1961 को बनाई गई थी बर्लिन की दीवार। क्योटो संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? तो क्योटो संधि पर 1997 को हस्ताक्षर हुए थे। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? उदारवाद पर आधारित है, लिबरलाइजेशन या लिबरलिज्म। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के द्वारा। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने समर्थन किया था, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के बारे में। सौराष्ट्र किस क्षेत्र में आता है या फिर किस राज्य में आता है? गुजरात में सौराष्ट्र आता है। उल्फा किस देश का एक आतंकवादी या उग्रवादी संगठन है? भारत का। महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, किसने यह बात कही थी? मिल ने कही थी यह बात। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज पर यह स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने यह नीति अपनाई, ओपन डोर पॉलिसी। वर्साय संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा? यूगोस्लाविया ने छोड़ा। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को हुई थी। तो यहां तो ये ऑप्शन है ही नहीं, तो 193 हमारा सही उत्तर होगा। यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपियन यूनियंस। साप्ता समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 2004 में हस्ताक्षर हुए साप्ता पर। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था यह शिमला समझौता। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी। और आज की हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 को। तो ब्राइटवे टीचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। हम ये आप सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो, बहुत अच्छे अंकों से आप सभी उत्तीर्ण हो। हम सभी की शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।